हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर विलास। तो यार गाइस, अभी मैं आया हूँ ऊपर, इनको ना यार भूख लगी हुई थी, तो मैंने इनको ना यार दाने वगैरह डाल दिए। ये देखिए, ये मैंने दाने डाल दिए। इस टाइम रैबिट्स भी खा रहे हैं, चूजे भी खा रहे हैं, चिक्स भी खा रहे हैं, और चुन्नू पता नहीं क्यों खा रहे हैं। चुन्नू यार घास खा रहे हैं गाइस। तो और यार इसके अलावा ना गाइस, ये आ चुका है बहुत सारा मटेरियल। गाइस ये मटेरियल पता किस चीज का यार? ये गाइस ये है हमारा फिंचेस का नेस्टिंग मटेरियल। अभी यार ये मैंने डाल दिया रैबिट्स को, इसमें से यानी कि जो गीला गीला घास है वो खा लेंगे, और जो बाकी बच जाएगा ना वो सारा यानी कि ऐसे खुश्क यार तोड़ने जाना बहुत मुश्किल से मिलता है। अभी थोड़ा यानी कि कुछ मैंने बाहर भी रख दिया, ये खुश्क होता है और हम इसको डालते हैं। जो मैं सुबह डाल के गया था ना, वो खुश्क हुआ पड़ा है, वो हम डालते हैं अपने फिंचेस को, उनका रिएक्शन देखते हैं, वो कैसे लेके जाते हैं कि नहीं। फिलहाल तो यार बहुत सारा मटेरियल इन पे पड़ा हुआ है। ये देखें, वो मैंने अभी अभी डाला, ठीक है वो ताज़े, और लेकिन ना ये सूखे पड़ा है। जो चुन लेते हैं और ये लेके जाते हैं अपने फिंचेस में। यार ये तोड़ते भी गाइस खुद होते हैं, और इसके अलावा अपने नेस्ट बनाना स्टार्ट कर देंगे। और यार ये तो है ना घास है, अब अगर इनसे तो कुछ गीला भी है ना, तो ये जब बनाना स्टार्ट कर देंगे तो खुद ब खुद ही अंदर जाके सूख जाएगा। भजीज मेरे भूखे हैं, हालांकि मैं दोपहर को उनको बहुत सारी रोटी और इसके अलावा बहुत सारी गंदम डाल के गया हूँ, लेकिन फिर भी यार देखते हैं कितने भूखे हैं गाइस। ये देखें देख रहे हैं यार, सारे इकट्ठे हुए बैठे हैं, यहीं पर आए बैठे हैं, और इसके अलावा यहाँ पर आए बैठे हैं। तो यार गाइस चलते हैं अंदर। कल मैं इसकी सफाई भी कर गया था इस एवरी की, लेकिन फिर दोबारा इन्होंने इतना गंद कर दिया ना कि मैं आपको क्या बताऊं यार। नेस्टिंग मटेरियल है यार ये, तुम्हारे खाने की चीज़ नहीं है, उड़ जाओ यहाँ से। गाइस सारे इकट्ठे हो गए जैसे इनके खाने की चीज़ है। तो यार ये हमने डालना अपने फिंचेस को। फिंचेस ने मुझे कल भी कॉल की थी कि यार हमें भी नेस्टिंग मटेरियल डाल दो यार, इनका पानी भी है, खुराक भी है। गाइस इसको डाल देते हैं ये उस साइड पर, ठीक है। ये अभी इतना मैंने डाला, ये जैसे ही लेके जाते हैं ना, यानी कि ये जैसे ही लेके जाते हैं अपने डोले के अंदर, फिर इन्हें दोबारा डाल देंगे। और अब यार पता नहीं यार ये लेके जाते हैं कि नहीं जाते। नहीं यार लेके जा रहे हैं गाइस, देखना कैसे स्पीड से उतरती जा रही है सारी। और मैं आपको नीचे दिखाता हूँ यार, यार गाइस देख रहे हैं यार ये सारी पता है कहाँ पर आई बैठी हैं। ये देख रहे हैं सारी घास के ऊपर बैठी हुई है, यानी कि अब इनको नेस्टिंग मटेरियल की बाकी में जरूरत है। ये देखें, अब मैंने रखे और ये हल्के में यहीं पर ठहरा हुआ हूँ, जब भी मैं ठहरा होता हूँ ये एक सेकंड के लिए भी नीचे नहीं उतरती, और अब ये सारी की सारी उतर गई है यार। और इसके अलावा यार गाइस, जो अब मैंने नेस्टिंग मटेरियल रखा, ये मैंने लास्ट टाइम रखा, यानी कि अब मैंने बस आखिरी बार रखा। अगर आप भी अपने नेस्ट वगैरह बनाना स्टार्ट नहीं करती ना, वैसे बजीज ने यार इनको ना बहुत ज्यादा तंग किया हुआ है। अगर ये नेस्ट नहीं बना तो फिर आप इसकी जगह चेंज करेंगे, या फिर मुर्गी वाली एवरी में, या फिर इसके लिए नई एवरी बनाएंगे। अभी मेरे ख्याल में यार मैंने तो इसको इतना अच्छे से सेट किया था, डोलियाँ लगाई थी आपको मैंने बताया, डोलियाँ लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फूल रेडी किया था मैंने, यार ये सब रिटर्न नहीं। लेकिन पता नहीं यार इनको क्या है, शायद नेस्टिंग मटेरियल की कमी, और इसके अलावा एक और भी वजह हो सकती है, क्योंकि एक बार शदीद बारिशें आई हैं कुछ अर्सा पहले, और इनकी ना यार डोलियाँ गीली हो गई थी थोड़ी थोड़ी, तो मुझे लगता है शायद ये डर गई है। बहरहाल आप तो इतनी जोर सी बारिश तो मेरे ख्याल में दो दो तीन तीन साल बाद एक बार आती होती है, लेकिन अब यहाँ लेनी चाहिए तो बैठे हैं, इंशाल्लाह कल इनके नेस्ट काफी हद तक बने पड़े होंगे। कोयल ने अंडा दिया आज हमारी, ओए क्यों नहीं अंडा दिया यार तुमने आज? बस पता नहीं यार ये क्या है यार, जैसे ही मैं बनाना स्टार्ट करता हूँ ना, ये पता नहीं इसका अंडा कहाँ कहीं बजाता है। बरो यार मेरे ख्याल में शायद इसने अंडा दिया और भाई ने आके यहाँ पर आ दिया। हाँ वाह भाई वाह यार, मैं उठाता रहेगा सारे काले अंडे थे, और आज भाई ने उठाया ये देखें वाइट अंडा। अच्छा ये भी फर्क होता है। चलो भाई अंदर से मैं अपने भाई को भेजा करूँगा इनका अंडा उठाने के लिए। सॉरी गई बैठी हैं गाइस, इनको नेस्टिंग मटेरियल की ही कमी थी। अब इंशाल्लाह यार सुबह ना इनके घर बने पड़ेंगे। अब मैं आपको इनके घरों की कंडीशन दिखा दूँ एक बार, ये देख रहे हैं इनमें से कोई भी नहीं बना हुआ है, इनके हल्के हल्के जो पहले बनाए थे। और इसके अलावा मैं आपको इस वाले घरों के भी दिखा दूँ कंडीशन, वो देखें जी है ना। अब हम सुबह देखेंगे, मुझे भी याद रह जाएगा। हाँ ठीक है, अब हम सुबह देखेंगे कि ये क्या क्या करते हैं। इसके अलावा यार मैं आपको बता रहा हूँ गाइस, ये देखें यार इसकी कंटी पूरी निकल आई, आज ये यहाँ पर मुंह करके बैठा है, और ये देख लें जल्दी जल्दी वरना ये फिर उड़ जाएगा। और फिर मैं इसके साथ जाता हूँ यार, नीचे मैंने पानी का बर्तन रखा हुआ, इसके अंदर सारे पर मार मार के ना, यानी कि देखें माशाल्लाह यार मैं भी आज ही पूरी देख पा रहा हूँ इसकी। और इसके अलावा वो जो बैठा हुआ है, वो जो दो बैठे हुए हैं ना, उनमें ये जो पीछे वाला बैठा हुआ है, इसकी भी काफ़ी हद तक निकल आई है, ये देखें ब्लैक ब्लैक, ठीक है। और इसके अलावा इसकी भी निकल रही है, लेकिन अभी इसकी इतनी भाजें नहीं है, बाहर निकल रही है इनकी। अगर मैं इसके साथ जाऊँगा ना, ये सारा पानी के अंदर फुट फुट करते हैं, पार वगैरह मारते हैं। इनको भी यार मैंने ना दोपहर को बॉयल चावल, और इसके अलावा ना बॉयल चावल गंदम और रोटी डाली थी, इन्होंने सब ने खा लिया। ये भी यार मोटे होते जा रहे हैं अब गाइस। और बहरहाल यार इसके अलावा ना ये देखें, अब मैंने इनको डालिया ना, इसमें से सारे के सारे खा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ नहीं खा रही, और वह है ये चुन्नू। इसके आप देख रहे हैं यार, ये देखें पोटा, देखना कैसे फुल हुआ ठहरा है, क्योंकि ये ना यानी कि कोई भी चीज़ अब मैं गिराता हूँ ना, तो बाकी चूज़ा अगर एक खा ले ना, उसको कुट के ना खुद, यानी कि कहते हैं कि तुमने खाया क्यों है, यानी कि सबसे पहले अव्वल तरजीह कहते हैं मैं बाप हूँ तुम्हारा, मुझे खिलाओ सबसे पहले। अब देखें, ये देखें, ये इससे कई गुना बड़ा है, लेकिन वो इसके बराबर हो गया। मेरे ख्याल में यार ये जो नस्ल है ना, ये ज़्यादा अच्छी है मेरे पास, ये मुझे गिफ्ट मिला था। वो ये सारे नीचे क्यों आ गया? वो यार कैसे सारे नीचे क्यों आए बैठे हैं? क्या खा रहे हैं ये? मैं तो कुछ भी ऐसा अंदर नहीं लेके गया, घास का एक तिनका गया पड़े और उसके ऊपर सारे पड़े पड़े। इतनी पसंद है यार तुम्हें घास? मैंने कहा सो तुम्हें बाजरा डालना ही है भाई, ये याद रख लो यार। इनको घास डालते हैं गाइस, ये तो बड़े शौक से खा रहे हैं यार घास, इतनी घास डाल लेते हैं, ऐसे खेलेंगे यार, ये खेलेंगे भी सही, खाएंगे भी सही। पूरे पूरे मैंने कहा यार पता नहीं शायद रोटी का कितने का, अभी आएंगे सारे लैंड करेंगे। ये जो यार रैबिट्स है ना, ये चलते थे मेरे ब्लॉग के साथ, यानी कि जिस दिन मैं ब्लॉग बनाता था ना, यानी कि जब मैं ब्लॉग बनाता था कंटिन्यूसली बनाता था, तब ये क्या करते थे रोजाना, यानी कि हर दूसरे दिन तीसरे दिन अपनी खुशखबरी सुना देते, कभी कभी फीमेल बच्चे दे देते थे, कभी उसके बच्चे बड़े हो जाते थे, कभी वो धूप पिलाते थे, कभी वो बच्चे बाहर आए हुए थे, यानी कि हर दूसरे दिन। अब जब मैंने छोड़ा था ना, इसने एक ना बच्चा दिया ना, कभी मटके का रुख ही नहीं किया, इन्होंने कहा कि भैया हमें पब्लिक करो पहले, फिर हम कुछ ना कुछ करेंगे।
चलो भाई आ गया हूँ मैं यार, आप कुछ करो। गैस ये देखें, इसमें अभी तक तो फिलहाल कुछ नहीं है, इसके मटके की सफाई कर लेते हैं, और इसके अलावा इस मटके में भी अभी तक कुछ नहीं है यार। बहरहाल यार मेरे ख्याल में अब ये सर्दियाँ आ रही है ना गैस, ये गर्मियों जब सर्दियाँ आने लगती हैं ना, ये थोड़ा सा रेस्ट करते हैं अब जब, यानी कि वो देखो माशाल्लाह यार, कोई भी ऊपर नहीं बैठा मेरे ख्याल में, हो एक भी तोता नहीं है जो ऊपर बैठा हुआ है ना, कोई भी नहीं है, एक बैठा हुआ है। ओ भाई क्या है, तुम अनोखे हो, सारे के सारे नीचे आए पड़े हैं यार। चेक करो आराम से ना दरवाज़ा खोलते हैं, और मैं आपको ना साथ से चल के इनको दिखाता हूँ, अगर नहीं उड़े तो। वैसे उड़ के यार ये बाहर भी जा सकते हैं, मैं दरवाज़ा बांध के हुआ है, लेकिन इस पोर्शन में आ सकते हैं। ये देखो यार, सारा कुछ छोड़ो यार, सबसे पहले तो मैं सेल्फी बनाऊँगा अपनी, साथ जाके ना थोड़ा सा, आज तक मैंने ऐसी तस्वीर नहीं खींची होगी। और भी डाल देते हैं, रैबिट तो इतने शौक से नहीं खा रहे जितना के भजीस खा रहे। खैर यार वो तो सारे उड़ गए, सिर्फ और सिर्फ एक कॉकटेल बचा बैठा है, ये भी डाल देते हैं उनको, ये भी खा ले। बड़े शौक से खा रहे हैं यार, और फिंचेज सारे के सारे नीचे उतरी हुई हैं, अभी भी डर जाती है मेरे से यार, ये भी इंशाल्लाह कल से अपना नेस्टिंग बनाना स्टार्ट कर देंगी। इसका बच्चा गाइस निकलने वाला है तकरीबन यार 10 दिन हो चुके हैं, सिर्फ 2 दिन रह गए हैं, 2 दिन में इसका बच्चा निकला तो निकला है, अदरवाइज फिर इसके भी अंडे खराब हो जाएंगे। और वो जो प्यार है ना, उसने तकरीबन आप भी अंडे दिए उसको 7 दिन हुए हैं, हिल तो ऐसा रहा जैसे बच्चा निकला पड़ा है यार उसके, यार तकरीबन अभी ना 7 दिनों में 8, 9, 10, 11, 12 इसको 5 दिन रह गए हैं, और यार मुझे लगता है इसका अंडे ना गाइस खराब हो गया है, क्योंकि इसको तकरीबन 15 दिन हो गए हैं। बहरहाल यार खैर इसको मैं देख लेता हूँ एक दिन, इसके अलावा ना यार वहाँ पर चल के देखता हूँ, मुझे कुछ शक लग रहा है कि बच्चा शायद निकल आया, क्योंकि वो ना बार बार ऐसे हिल रहा है जैसे उसके नीचे बच्चा हो, तो यार देखेंगे कैसे। ये जो यार यही वाली बात की रहना है, ये बिल्कुल किडनैप हुई पड़ी है, यानी कि ये वाली ना मैं यहाँ से देख लेता होता हूँ, इसको भी यूँ करके ये यहाँ से मुझे तो नज़र आ जाएगी, लेकिन मेरे ख्याल में देख रहे यार 2 बच्चे बैठे हुए हैं और एक मेल है, काट लो काट लो काट लो, यही कमी रह गई थी यार। ये देखे दोनों बैठे हुए हैं गाइस, लेकिन अभी हिल नहीं रहे। खैर यार कल मैं ना अंदर घुस के फिर चेक करूंगा, आपको भी दिखाऊंगा ये गाइस। बजी से मैं उस फीमेल को दोबारा से चेक करने के, यार आप उसने नया अंडा दिया, अंदर बैठी हुई है यार, चेक करते हैं, मुझे लगता है दे दिया इसे अंडा, हाँ दे दिया यार, अंदर गई बैठे मेरे ख्याल में यार ये अंडा देने वाले, क्योंकि ये जो बजीज होते हैं ना, ये भी अक्सर औकात में यानी कि सेकंड टाइम अंडा देते होते हैं, और अंडा घुसा पड़ा है, हाँ इसने अंडा दिया है गाइस, लेकिन अंडा टूट गया है, यानी कि शायद अनफर्टाइल होगा, इसने खुद तोड़ दिया होगा, बरल अंडा नहीं है इसमें यार अभी फिलहाल तो। तो यार चलो यार कोई बात नहीं यार, जल्दी दो यार अंडा, अंडा दो नहीं दे रही यार, फिर भी नहीं दे रही, लेकिन ना जरा इसको ना जैसे हमने छुल्लू से अंडा निकलाया था ना, इससे भी वैसे निकलवाने की कोशिश करते हैं। भाई आज ना मैं आपको पिज्जा नहीं दिखा सकता, क्योंकि पिज्जा ने मैं मुझे कहा कि यार हमें 2-3 दिन नहीं दिखाओ, फिर मैं अपनी फीमेल को एग्री करता हूँ, फिर इंशाल्लाह यार बच्चे अंडे देंगे यार गाइस, बहरहाल अंडे देने वाला है मेरे ख्याल में, आज भी मैंने देखे वो बार बार ना अपने उधर नेस्ट पर गया हुआ था यार, ये तकरीबन ना 2 या 3 दिन है, 2-3 दिन के अंदर ना ये अंडा दे देगा, जिससे मैंने नेस्टिंग मटेरियल भी डाल दिया, इसके अलावा बजीज को भी घास डाल दिया, तो ठीक है गाइस चलो कहीं पर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट में, हल्के और कहते हैं सर्दी आ गई है, ये देखें पसीना फिर भी ऐसे टप 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 टप, तो ठीक है गाइस चलो कहीं पर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट में, अल्लाह हाफिज़।